गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर एंड वी विल लर्न अबाउट द रॉक्स. ओके, टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक. फर्स्ट इज इग्नियस. Igneous rock, liquid molten material present within the earth crust is called magma. जो liquid होता है, जो पिघला हुआ हमारा जो material होता है earth crust पे, that is called magma. उसे हम लोग magma बोलते हैं. Igneous rocks are formed when magma present within the earth crust cools and solidifies. Igneous rock बनी जब हमारा magma क्या था, अर्थ क्रस्ट पे ठंडा होने लगा, सॉलिड होने लगा, तब हमारी इग्नियस रॉक बनी. द मैग्मा मे कूल बिलो द अर्थ क्रस्ट ऑन द अर्थ सरफेस. मैग्मा जब ठंडा हुआ अर्थ के नीचे, तो अर्थ की सरफेस पे धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट बनने लगी, क्योंकि वो मैग्मा क्या था, वो सॉलिड होने लगा और उसकी ऊपर की परत बनने लगी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन हाउ द मैग्मा कूल्स. डिफरेंट टाइप के जो इग्नियस रॉक्स थे वो बने जैसे जैसे मैग्मा ठंडी होती गई. द टेम्परेचर बिलो द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी हाई. जो हमारे अर्थ क्रस्ट का जो टेम्परेचर था, जो नीचे का, वो बहुत हाई था. द मैग्मा मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू कूल. मैग्मा को ठंडा होने में कम से कम हजारों साल लग गए. वेन वोल्केनोस इरेप्ट, जब वोल्केनोस फूटते थे, मतलब होते थे, द मोल्टेन मैग्मा कम्स टू द अर्थ सरफेस एज लावा. तो उससे क्या निकलता था, हमारा मैग्मा हमारे अर्थ सरफेस पे बाहर आता था. किसके रूप में आता था, लावा के रूप में. लावा क्या होता है कि पत्थर जो होते हैं, हमारे रॉक्स जो होता है, वो जलता हुआ पत्थर, मीन्स गर्म हुआ पत्थर बाहर आता है, दैट इज़ कॉल्ड लावा. लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज क्विकली टू फॉर्म इग्नियस रॉक. लावा जैसे जैसे ठंडा होता गया, सॉलिड होता गया, वो इग्नियस रॉक में चेंज होता गया. नाउ टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. देखिए कितने टाइप्स होते हैं. इग्नियस रॉक्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ क्विकली द मैग्मा कूल्स टू फॉर्म द रॉक्स एंड ऑल्सो ऑन द मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स विच मेक अप ऑफ रॉक. इग्नियस रॉक को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे जैसे मैग्मा हमारा ठंडा हुआ, पत्थर बनते गए, तो उसके मिक्सचर से जो मिनरल्स जो हमारे पत्थरों से मिलकर बने थे, तो इग्नियस रॉक के टाइप्स होते हैं, वो उसी पर डिपेंड करते हैं कि वो किस मिक्सचर का बना है. ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड प्यूमिस आर थ्री टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. हमारा इग्नियस रॉक क्या है, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेनाइट, सेकेंड नंबर इज़ बेसॉल्ट, थर्ड नंबर इज़ प्यूमिस. नाउ वी विल लर्न अबाउट द ग्रेनाइट. देखिए ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड कोर्स ग्रेन्ड रॉक विच इज़ यूजली वाइट. ग्रेनाइट क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, रॉक टाइप की होती है, ग्रेन रॉक होता है, वाइट कलर का, पिंक और ग्रे इन कलर. पिंक कलर का भी होता है, ग्रे कलर का भी होता है. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा कूल्स स्लोली डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट. वह तब बना जब मैग्मा हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे, काफ़ी नीचे की सतह पर ठंडा होता गया. ग्रेनाइट इज़ मेड अप ऑफ मेनली थ्री मिनरल्स. ग्रेनाइट अधिकतर तीन मिनरल्स से मिलकर बना है. फर्स्ट इज क्वार्ट्ज, सेकेंड इज़ फेल्डस्पार एंड थर्ड इज़ माइका. ये तीन मिनरल से हमारा ग्रेनाइट मिलकर बना है. द कलर ऑफ द ग्रेनाइट रॉक डिपेंड ऑन द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स इट कंटेन. जो हमारा ग्रेनाइट का कलर है, पत्थर का कलर है, वो डिपेंड करता है कि हमारे जो मिनरल्स का मिक्सचर है, मिक्सचरों पर डिपेंड करता है जिससे मिलकर ये बना होता है. ग्रेनाइट इज़ यूज इन मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड पेविंग द रोड्स. ग्रेनाइट से क्या होती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, स्टैचूज बनाए जाते हैं और रोड्स की पेविंग्स बनाई जाती हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज़ बेसॉल्ट. बेसॉल्ट क्या होता है,
बेसॉल्ट इज़ अ फाइन ग्रेन्ड हार्ड डार्क वॉल्केनिक रॉक विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लावा कूल्स। बेसॉल्ट क्या है? ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड हार्ड डार्क वॉल्केनिक रॉक है, मतलब जो हमारा वॉल्केनिक रॉक होता है, पत्थर होता है वो, विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लावा, वो कब बनता है? जब हमारा वॉल्केनो का जो लावा होता है वो ठंडा होता है, हमारे अर्थ सरफेस पे जब वो ठंडा हुआ तो उससे ही हमारा ये बेसॉल्ट नाम का इग्नियस रॉक बनी। लावा कूल्स वेरी क्विकली टू फॉर्म बेसॉल्ट, लावा जैसे जैसे ठंडा होता गया वो बेसॉल्ट में चेंज होता गया। बेसॉल्ट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इज़ द पेविंग ऑफ रोड्स। बेसॉल्ट का प्रयोग भी हमारे बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में किया जाता है और रोड्स की पेविंग में किया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स फेल्डस्पार एंड पायरोक्सिन, पायरोक्सिन रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट, या फेल्डस्पार और पायरोक्सिन मिनरल से मिलकर बना है जिसमें कि हमारा आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट मिला रहता है। ओके, इट हैज़ फिनिश नाउ एंड टुडेज योर होमवर्क इज ओपन योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर।